खबर जनपद हरिद्वार से है, जहां महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में जनाक्रोश रैली निकाली गई। रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेसियों ने कहा कि शहर के बीचों बीच दिन दहाड़े हुई डकैती से व्यापारियों में डर का माहौल है। आगे उन्होंने पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही डकैतों की गिरफ्तारी और शत प्रतिशत रिकवरी नहीं हुई तो कांग्रेस बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी। इसी दौरान रैली को संबोधित करते हुए जिला महिला अध्यक्ष अंजू मिश्रा ने कहा कि हरिद्वार में हुई आपराधिक घटनाओं से व्यापारी और महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। और अभी तक जिन्होंने डकैती डाली है वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुए। और मेरा दूसरा आक्रोश ये है धामी सरकार को कि जिस तरह से उत्तराखंड में रेप के केसेस हो रहे हैं, बलात्कार के केसेस हो रहे हैं, बहुत ही शर्मनाक घटनाएं हैं, जो कि एक महिला होने के नाते जब मैं अखबारों में पढ़ रही हूँ या कोई भी मैं न्यूज़ देखती हूँ मैं से सहन नहीं होता। आज मैं इसलिए यहाँ पर खड़ी हुई थी, इसलिए मैंने इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया कि मैं आज उस चीज़ को सहन नहीं कर पाई। वो चीज़ मेरे आज सिर के ऊपर से गुजर रही है। जब छोटी छोटी बच्चियों के साथ मैं सुनती हूँ और कोई बस में एक अकेली लड़की सफर कर रही है और वो लेट कर रही है कि सुबह होने का, तो उसका बलात्कार कर लिया जाता है बस को। अगर हमारा हमारा ट्रांसपोर्ट ही इतना सुरक्षित नहीं है तो हम कहाँ पर जाएंगे कि कौन सा ट्रांसपोर्ट। हम प्राइवेट में इसलिए सफर नहीं करते कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं कि वो सुरक्षित है, लेकिन आज वो भी नहीं है। मैं अपनी सरकार से यही है कि हर बस में एक सुरक्षा गार्ड रखा जाए जो कि महिलाओं को ही सुरक्षा करता है। हर रास्ते में कैमरे होने चाहिए जिससे महिलाओं की सुरक्षा हो सके। संबंध में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इस घटना में हमारे जितने माननीय उच्च अधिकारीगण भी आए, सभी लोग इसकी विजिट भी किए और आश्वासन भी देके गए, तो जो पुलिसिंग है वो पुलिसिंग ही होगी और हमें जो भी आदेश और निर्देश प्राप्त हो रहे हैं उसके आधार पर हमारी टीम लगातार बाहर है और जल्द ही इस पर भी सफलता।